इस वीडियो में हम सीआरपीसी का 38 सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है एड टू पर्सन, मतलब किसी बंदे की मदद करनी है अदर देन पुलिस ऑफिसर, मतलब जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, एग्जीक्यूटिंग वारंट, और जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या वारंट। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे जो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें पता होनी चाहिए। क्या है वो? कह रहे हैं कि जब कोई बंदा, मतलब कोई पर्सन है, व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन, मतलब जब एक वारंट डायरेक्ट किया गया है, दिया गया है किसी पर्सन को अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, समझ रहे हैं? पहली चीज़ तो हमें ये पता चलता है कि एक बिना किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया जा सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब पुलिस ऑफिसर को तो पता ही हमें कि दिया जा सकता है, बिना पुलिस ऑफिसर को, मतलब किसी आम इंसान को वारंट दिया जाता है। एनी अदर पर्सन में एड, तो कोई और आदमी, इस पर्सन से भी अलग कोई और आदमी में एड, मदद कर सकता है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, उस वारंट को एग्जीक्यूट करने में मदद कर सकता है। इफ द पर्सन टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड, अगर वो पर्सन जिसको वारंट दिया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसके पास है और वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक्ट कर रहा है, मतलब वारंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई और इंसान जो उसके पास है वो भी मदद कर सकता है। अब एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने 37 सेक्शन की भी वीडियो देखी है, और ये पूरा अपना जो पार्ट है चैप्टर 4 का पार्ट बी, एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, तो मैं ये फ़र्क पूछना चाहूँगा आपसे कि 37 में जो मदद की जा रही है और 38 में जो मदद की जा रही है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, आप सोच के रखें या फिर एक अलग से आप लिख भी सकते हैं अगर आपको डिफरेंसेस लगते हैं। और अब मैं बता भी देता हूँ इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि 37 की पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि एवरी पर्सन इज बाउंड, कि हर इंसान बाउंड है इन तीन सिचुएशन में। ठीक है, हर बंदा बाउंड है मदद के, पहली चीज़ तो आ गई बाउंडेशन। 38 में बाउंड नहीं है, यहाँ लिखा गया है एनी अदर पर्सन मे एड, मतलब अगर वो चाहे तो मदद कर सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं है जो थर्ड पर्सन है। लेकिन 37 में बंदिश है, 37 में तीन सिचुएशन है वो अलग सिचुएशन है, और 38 में सिर्फ एक सिचुएशन है कि कोई वारंट एग्जीक्यूट करना है और वो बंदा उसके पास है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगली चीज़, उस जो 37 है, 37 में या तो मैजिस्ट्रेट की मदद करनी है या पुलिस ऑफिसर की मदद करनी है, लेकिन 38 में ना मैजिस्ट्रेट की मदद ना पुलिस ऑफिसर की, बल्कि किसी ऐसे पर्सन की मदद करनी है जिसको वारंट दिया गया है और वो पुलिस ऑफिसर भी नहीं है। तो बेसिक ये तीन डिफरेंसेस आ गए इन सेक्शंस में, तो इससे आपको ये दोनों सेक्शन अच्छे से याद हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ प्रीलिमिनरी के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। जैसे हमें पता है हमारा फिक्स फॉर्मेट है प्रीलिमिनरी के, कैसे बनेंगे? या तो सेक्शन बेस आएगा, सेक्शन बेस में आपको पता होना चाहिए कि 38 में मदद की जा रही है और किस पर्सन की, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उसकी, प्लस उसे वारंट दिया गया था पर्सन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगले सवाल आ सकते हैं, ये चैप्टर 4 का है, मतलब ये इस तरीके की मदद कहाँ कौन से चैप्टर में डील की गई है, 4 के अंदर पार्ट बी, और जिस पार्ट का नाम है एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो ये प्रीलिमिनरी के सवाल हो सकते हैं। प्लस इसमें ये सवाल भी बन सकता है कि सेक्शन 38 के अंदर जिस पर्सन की मदद की जा रही है, क्या वो पुलिस ऑफिसर है या कोई और पर्सन है? एग्जैक्टली ये डेफिनेशन या फिर ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकल सकती उसमें से, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 38 के अंदर अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि हमारे अगर क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई सिचुएशन अगर रिक्वायर कर रही है तो वारंट दिया जा सकता है, बिना पुलिस ऑफिसर के भी किसी और बंदे को दिया जा सकता है। अगली चीज़ आती है ये, फिर आपको मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, यहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट तो बता दिया,
लेकिन ये वारंट कौन सा है, वारंट ऑफ अरेस्ट है या सर्च वारंट है या किस तरीके का वारंट है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। और जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ किया हो जिसको स्पेसिफिकली ना बताया हो, तो हम उसको मान लेंगे कि ये सब चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। ये कर लिया हमने प्रीलिमिनरी की बात। अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम में अगर सेक्शन 38 के ऊपर सवाल बनता है तो वो किस तरीके से बनता है और हम उसका क्या जवाब देंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं हैं इस सेक्शन से सवाल आने के, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रख रहे हैं तो इसको मेंस के तरीके से भी तैयार करेंगे। ये मैंने एक जवाब लिखा है यहाँ जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं एक छोटा सा सवाल बना के आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मेंस में आपसे पूछा जाए वेदर अ पर्सन बीइंग नियर एट हैंड टू द पर्सन हु इज एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वॉरंट एंड नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, तो जो पहला पर्सन था जिसकी रेफरेंस दी हमने बीइंग नियर एट हैंड, इज ही बाउंड टू असिस्ट और एड द पर्सन एग्जीक्यूटिंग वॉरंट, क्या वो बंदा जो उसके पास में है, किस पर्सन के पास में है जो वॉरंट एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या उसके ऊपर ये बंदिश है कि वो उस पर्सन की मदद करे। तो इस सेक्शन के हिसाब से इसका जवाब है नो। ये जो अगर बीचों बीच में लिखा हुआ है ना मे एड, मतलब अगर वो चाहे तो मदद कर सकता है, चाहे तो मदद कर सकता है, ठीक है। ये हो गया एक जवाब छोटा सा अगर बंदिश के ऊपर, अगर बाउंडिंग के ऊपर पूछे उससे वेदर ही इज बाउंड और नॉट। अगली चीज आती है अगर आपसे बिल्कुल जो सेक्शन का हमारा टाइटल है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वॉरंट, अगर यही सवाल बना दिया जाए कि किसी पर्सन की मदद के लिए जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उसकी मदद कब की जा सकती है, ठीक है, तो उसका जवाब आप ये लिखेंगे। सेक्शन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेंगे, थोड़ी सी ग्रामेटिकल वेरिएशन ले आएंगे बस इसके अंदर, और आप ये लिख सकते हैं व्हेन अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जब एक आदमी जो पुलिस ऑफिसर नहीं है मतलब पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और आदमी इज डायरेक्टेड अ वारंट, उसको एक वारंट दिया जाता है। आगे ये बेसिक कवर कर दिया मैंने। इसके बाद जो रेड पेन से लिखना शुरू किया ये अपनी आगे बेयर लैंग्वेज है, ये आप यूं की यूं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कुछ हिस्सा तो बेयर लैंग्वेज का हमको एग्जैक्टली रखना पड़ेगा। इसको रखने के पीछे कारण ये है कि हम जैसे कि बाकी थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सोशल साइंसेज के हो गए या कोई लैंग्वेज का हो गया थोड़ा बहुत, तो उसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन जुडिशियल एग्जाम में और ख़ास तौर पे मेंस के अंदर जहाँ भी हमने बात की है हमें अपने टॉपिक से स्ट्रिक्टली जुड़े रहना पड़ेगा। हम ज़्यादा बातें नहीं लिख सकते उसके अंदर एग्जैक्टली, सिर्फ अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ इसलिए मैंने ये लिखा है बेयर लैंग्वेज का एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वॉरंट, और आगे ये डॉट 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 लगा दिया, कंटिन्यू रहेगा आगे जो भी इसका बेयर लैंग्वेज है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेक्शन 38 पे अगर हमारा सवाल बनता है तो उसके बारे में कितने वर्ड्स एग्जैक्टली लिखने हैं, कितना समय लगाएं आप ऐसे क्वेश्चन पे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा सवाल जो काफ़ी छोटा सेक्शन है तो मैक्सिमम 2 नंबर का पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 नंबर का भी ना पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो 2 नंबर के हिसाब से आप इसको कितना टाइम देंगे उसका एक बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो में, और अपने तरीके की पहली राय है इसमें, आप देखें एक बार। अब आप देखें जो फर्स्ट स्टेप बताया मैंने इसमें, आपको 100 नंबर का पेपर मिलेगा अगर आप राजस्थान के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं जिसमें 100 मार्क्स होंगे टोटल मार्क्स, और 3 घंटे आपको मिलेंगे लॉ के पेपर के लिए, लॉ पेपर 1 लॉ पेपर 2 हो गया, ठीक है। और जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम है उसमें आपको 2-2 घंटे मिलेंगे और 50 नंबर के होंगे लैंग्वेज के। तो हमको यूँ पता है कि 3 घंटे के अंदर आपने 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना, मतलब एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना 100 नंबर का। तो इसके अकॉर्डिंगली आगे देखें स्टेप 2 जो लिखा है मैंने कि वैसे 3 घंटे के हिसाब से 180 मिनट बनती हैं एग्ज़ाम में,
लेकिन आप 180 मत माने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट स्लो राइटर होते हैं या फिर कुछ करेक्शन में टाइम लग जाता है या पेपर रीडिंग में टाइम लगता है, तो आप सिर्फ इसको 150 मिनट माने ताकि 30 मिनट आपके पास स्पेयर बची रहे। ये हो गया स्टेप टू। अब हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ 150 मिनट हैं, मतलब 2.5 घंटे हैं, हमारे पास 3 घंटे नहीं हैं। तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं, तो अब 150 मिनट के हिसाब से 100 नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, तो एक नंबर के सवाल को आपको 1.5 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब अगर सेक्शन 38 में से 2 नंबर का सवाल बनता है तो आपके पास 3 मिनट हैं ये जवाब देने के लिए, समझ गए। सिंपल सा फंडा है, अगर दो नंबर का सवाल बनता है तो 3 मिनट हैं आपके पास जवाब देने के लिए, और 3 मिनट में आप इतना ही लिखेंगे जितनी आपकी स्पीड है। जैसे किसी नॉर्मल स्टूडेंट की स्पीड अगर हम देखेंगे या कोई स्लो राइटर की स्पीड देखेंगे तो 14-15 वर्ड्स की हो सकती है, किसी की तेज़ है तो 20-25 वर्ड्स भी हो सकती है पर मिनट के हिसाब से। तो लेकिन अगर 14-15 भी है तो आप 3 मिनट के हिसाब से 15 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप देखेंगे तो 45 वर्ड्स हो जाते हैं। 45 वर्ड्स में 3-4 लाइनें आसानी से भरी जाएंगी। तो 2 नंबर के सवाल को 3-4-5 लाइनों में आप लिख सकते हैं सेक्शन 38 के रिगार्डिंग। मेंस में क्या सवाल आएगा ये भी हम बात कर चुके हैं, समय कितना देना है ये भी बात कर चुके हैं। जजमेंट राइटिंग में थोड़ा लिखने का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए स्पेशली वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन से जुड़े हुए केसेस की, अगर कोई है तो। आई हैव बीन थ्रू सेवरल बुक्स और कुछ इंटरनेट पे भी कोशिश की मैंने इस सेक्शन को देखने की, लेकिन एग्जैक्टली कोई केस इस पे नहीं मिल पाया जो मैं आपको बताऊं और उसकी केस की क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि आपको जुडिशियल कुछ मदद मिल पाए उससे, लेकिन मुझे कोई ऐसा केस मिल नहीं पाया। और अगर इन फ्यूचर मेरे को मिलता है मैं कोशिश करता रहूँगा तो आपको ज़रूर बताएंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप चैनल से जुड़े रहे यही उम्मीद करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।